हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद शर्मा वेलकम करता हूं ब्रेन साइंस लेसन टू में आपका। इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि एसोसिएशन क्या है और ये कैसे काम करता है। हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, मैंने बताया था आपको, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन के फंक्शंस लॉजिकल होते हैं, सीक्वेंसिंग होता है, लीनियर होता है, या जिसमें भी किसी तरह का सिद्धांत या लॉजिक काम कर रहा है या जिस चीज का कोई पैटर्न बन सकता है वो सब हमारा लेफ्ट ब्रेन गवर्न करता है। लेफ्ट ब्रेन ही उसको आगे एग्जीक्यूट करता है। राइट ब्रेन हमारा क्रिएटिव ब्रेन माना जाता है, जिसके अंदर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, फीलिंग्स या ऐसी कोई चीज़ जो कि एब्स्ट्रैक्ट होती है, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं या हमारे इनबॉर्न, हमारे जो अंदर से निकल के आता है उससे जुड़ी हुई चीज़ें, खास तौर पर हम इसको क्रिएटिविटी कह सकते हैं या इमेजिनेशन कह सकते हैं, ये राइट ब्रेन में होता है। कुछ लोग लाइफ में लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड होते हैं, लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटेड होते हैं, कुछ लोग राइट ब्रेन डोमिनेटेड होते हैं। लेफ्ट ब्रेन जैसे कि मैथमेटिशियन है, तर्कशास्त्री है, रैशनलिस्ट है, प्रिंसिपल्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या वो लोग जो डायरेक्ट किसी बात पे विश्वास नहीं करते, वो जब तक कोई सिद्धांत उन्हें ना मिल जाए, जब तक किसी बात का उन्हें लॉजिक पता ना चले, तब तक वो उस पर इंस्टेंटली बिलीव नहीं करते, बल्कि उसको पहले एक बार करके देखते हैं। तो उसमें ट्राइंग और सीइंग इज बिलीविंग करके फैक्टर आता है पहले। तो इस तरह से लेफ्ट ब्रेन खास तौर पर से जुड़े हुए सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, पजल्स, साइंस, लैंग्वेज। इस तरह के सब्जेक्ट्स लेफ्ट ब्रेन गवर्न करता है, उसको पैटर्न देता है और लेफ्ट ब्रेन उसको एग्जीक्यूशन में लेकर के आता है। जो लेफ्ट ब्रेनी होते हैं वो इस तरह के सब्जेक्ट्स को पसंद करते हैं, इस सब्जेक्ट पर टाइम देना पसंद करते हैं। आमतौर पर वो क्रिएटिविटी या क्रिएटिव चीज़ों में कम इंटरेस्ट लेते हैं, जिस बजाय कि लॉजिकल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अगर किसी मैथमेटिशियन को या किसी प्रिंसिपल को या किसी ऐसे इंसान को जो लेफ्ट ब्रेन ब्रेनी है, उसको अगर आप बोलेंगे चलो कोई एग्जीबिशन लगी है जहाँ पेंटिंग के बारे में जानते हैं, या चलिए कोई म्यूजिक का प्रोग्राम है, तो वो आमतौर पर कम इंटरेस्ट लेते हैं। ये कोई 100% बात नहीं है, पर ये किसी रिसर्च में हमने पाया है कि आमतौर पर ये लोग उसमें कम इंटरेस्ट लेते हैं, बल्कि इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जो लॉजिक बेस्ड होती हैं। इसी तरह से जो लोग राइट ब्रेनी होते हैं, जैसे कि फिल्म मेकर है, पेंटर है, डांसर है, म्यूजिशियन है, या कोई क्रिएटिव काम करने वाला है, स्टोरी राइटर है, ये लोग राइट ब्रेन क्रिएटिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इनको लॉजिकल एक्सरसाइज कम पसंद आएगी, ये मैथ्स को करना कम पसंद करेंगे, बल्कि इस तरह की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो लेफ्ट ब्रेन वाले राइट ब्रेन में कम इंटरेस्ट लेते हैं, राइट ब्रेन वाले लेफ्ट में कम इंटरेस्ट लेते हैं। और इस स्टेट में क्या होता है, एक ब्रेन दूसरे ब्रेन से ज्यादा डोमिनेट करने की वजह से दूसरा ब्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टेज में आ जाता है, और इसे हम लेफ्ट राइट कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। यानी जब किसी एक काम को करने में एक ब्रेन सपोर्ट नहीं करता है तो उसे हम लेफ्ट राइट कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ये कैसे पता चलेगा, जब आप किसी काम में कॉन्फिडेंट ना हो रहे हो, मन ना लग रहा हो, या किसी चीज में आपका मूड ऑफ हो रहा हो, या आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, या आपका फेल्योर बहुत ज्यादा हो रहा हो, या आप उस काम को छोड़ने का मन कर रहा हो, ये सारी स्टेज जो होती है ये लेफ्ट राइट कॉन्फ्लिक्ट होती है। इससे बेटर स्टेज कहलाती है लेफ्ट राइट सिंक्रोनाइजेशन, जिसमें दोनों ब्रेन मिलकर काम करते हैं, जिसमें हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जिसमें हमें काम करने में मजा आने लगता है, वी एंजॉय द पर्टिकुलर टास्क। इसमें आपका लेफ्ट और राइट दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा होता है। तो लाइफ की ये दो स्टेजेस होती हैं। पढ़ाई में सबसे अच्छी स्टेज कहलाएगी लेफ्ट राइट सिंक्रोनाइजेशन या लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए दो बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू। वो बच्चे घर में खेल रहे हैं, मम्मी ने उनसे कहा कि चुन्नू मुन्नू तुम्हें मैं काम देके जा रही हूँ और मैं बाजार जा रही हूँ, वापस जब मैं आऊंगी तो वो काम तुम पूरा करना। चुन्नू तुम्हें ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम को नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा करना है, और मुन्नू तुम्हें किचन की सफाई करनी है और बेडरूम साफ करना है, त्योहार आ रहा है और कल कुछ मेहमान भी आ सकते हैं, इस वजह से मैं 2 घंटे के लिए मार्केट जा रही हूँ, वापस आऊँ तो ये हो जाना चाहिए। मम्मा 15 मिनट बाद वापस आती है क्योंकि वो अपना पर्स ले जाना भूल जाती है। आकर देखती है कि चुन्नू मुन्नू दोनों घर में लड़ रहे हैं और पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया है, चादर फटी हुई है, किचन का फ्रिज खुला हुआ है, पानी फैला हुआ है, सामान गिरा हुआ है, झाड़ू टूट गई है, चेयर्स बिखरी हुई है, कूड़ा कचरा पूरे घर में बिखरा हुआ है। ये देखकर मम्मा का बड़ा मूड ऑफ हो जाता है कि ये तो काम उल्टा बढ़ गया, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने, और वो दोनों लड़ भी रहे हैं। तो मम्मा उनको रोक के पूछती है तुमने ये क्या किया, तो वो कहता है कि मम्मा ये चुन्नू मुझे काम नहीं करने देता, मुन्नू काम नहीं करने देता, इस तरह से एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे होते हैं। तो मम्मा पूछते ऐसा क्यों, तो वो कहते कि मम्मा देखो ये चुन्नू जब डाइनिंग रूम साफ कर रहा था तो सारा कूड़ा उठा के किचन में फेंक रहा था, तो मुझे गुस्सा आया तो मैंने भी किचन का सारा सामान उठा के इसके डाइनिंग रूम में फेंक दिया क्योंकि ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। तो मुन्नू से पूछा तो मुन्नू ने कहा मम्मा देखो आपने तो मुझे डाइनिंग रूम का कहा था, तो मैं क्यों फोकस करूं
इसके किचन पर, मैं तो मेरी वाली चीज साफ करूंगा। तो मम्मा को समझ में आया कि भाई यहाँ पर तो ये गड़बड़ हो गई कि इसका डाइनिंग रूम हो गया है और इसका बेडरूम हो गया है, तो ये झगड़ा हो गया इनके बीच में, यानी ये इंपॉर्टेंस केवल अपने डोमेन को दे रहे हैं। मम्मा इस बात को समझ गई, तो मम्मा ने कहा तुम छोड़ो, मैं तो खुद ही काम कर लूंगी। इस एग्जाम्पल में उन दोनों की लड़ाई ने काम को उल्टा बढ़ा दिया, जबकि वो दोनों काम कर भी रहे थे। इसका उल्टा एग्जाम्पल सोचते हैं हम। सोचिए कि वो दोनों बहुत अच्छे राम लक्ष्मण की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए पक्के दोस्त के जैसे भाई होते, जय वीरू शोले में थे वैसे होते मिलकर काम करने वाले। सोचिए मम्मी बाजार जाती और वो दोनों मिलके पहले डाइनिंग रूम करते, फिर ड्राइंग रूम करते, फिर बेडरूम करते, सब कुछ मिलके करते, तो वो काम जल्दी से हो जाता। मम्मा 10 मिनट में वापस आती तो उनको दिखता था ये तो काम हो गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिलके काम किया। इस एग्जाम्पल में हमें पता पड़ा कि जब भी वो दो लोग आपस में लड़ेंगे, टास्क को उल्टा बढ़ाएंगे और बिगाड़ेंगे, और मिलके काम करेंगे तो वो टास्क कम टाइम में ज्यादा अच्छी तरह कंप्लीट होगा। सेम आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन के साथ होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे प्ले लाइक चुन्नू एंड मुन्नू, और अधिकतर स्टेट में वो हमेशा कंफ्यूजिंग या कॉन्फ्लिक्ट स्टेट में ही रहते हैं, क्योंकि एक ब्रेन का जो डोमेन है वो दूसरे ब्रेन को सपोर्ट नहीं करता। ब्रेन साइंस इन दोनों ब्रेन के बीच में एक ब्रिज बनाती है, उसे एसोसिएशन सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। ब्रेन साइंस लेफ्ट ब्रेन के लॉजिक और राइट ब्रेन की क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को कंबाइन करके यूज करती है, जिससे ये आपका पूरा मस्तिष्क किसी टास्क पर एक साथ काम कर पाता है। लेफ्ट और राइट दोनों मिलके काम कर पाते हैं, एंड इट इज नोन एज लेफ्ट राइट एसोसिएशन और सिंक्रोनाइजेशन, एंड दिस इज द बेस्ट ऑप्टिमम स्टेज ऑफ अ ब्रेन। ब्रेन साइंस के आगे के चैप्टर में आप लेफ्ट और राइट ब्रेन को एक साथ एसोसिएट करके यूज करना सीखेंगे। थैंक यू।